लोगों का जो मन है इस सरकार की तरफ से वो विमुख हो गया है और लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में भी और देश में बनाएंगे। रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने भाजपा सरकार और उनके नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी ही उनकी बात को नहीं सुनती तो फिर जनता उन्हें क्यों सुने। पंचकुला जिला परिषद चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार पर भी विधायक चिरंजीव राव ने तंज कसा। देखिए, आप लोगों ने नतीजे देखे होंगे कि पंचकुला के अंदर 10 की 10 सीटें भाजपा वहां पर हार गई। जिस तरह से कुरुक्षेत्र के जो सांसद हैं नायब सैनी जी, उनकी खुद की धर्मपत्नी वहां पर लड़ रही थी, उनका चुनाव हार जाना, और भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, किसी की पत्नी लड़ रही थी, किसी के भाई लड़ रहे थे मंत्रियों के, उनका भी चुनाव हार जाना, साफ तौर पे नज़र आता है कि लोगों का जो मन है इस सरकार की तरफ से वो विमुख हो गया है और लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में भी और देश में बनाएंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उसको जितना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, दिनों दिन मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिला परिषद के चुनाव घोषित हुए, कांग्रेस के जो समर्थित थे वो ज़्यादा निकल कर आए, अब जिला प्रमुख की दौड़ है। देखिए, अब सब लोगों से चर्चा की जाएगी और बात की जाएगी, हमारी कोशिश रहेगी कि जिला प्रमुख हमारा बने, ब्लॉक समिति के भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारे जीत के आए, हमारी कोशिश रहेगी सबसे चर्चा करके, कोशिश ये रहे कि हमारा वहाँ पर चेयरमैन बने। MBBS हरियाणा आज के लिए रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर, इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले।